बाल की जो ग़िज़ा है वो हम नहीं उसको दे रहे होते, वो प्रोटीन्स वो चीज़ें नहीं खा रहे होते कि जिसकी वजह से हमारे बाल अच्छे हों, हेयर फॉल ख़त्म हो जाए। तो हम आपसे ये जानेंगे कि हेयर फॉल जब हो रहा है तो उसकी ग़िज़ा क्या खाएं ताकि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। जी देखें, बहसियत मजमूई हमने एक ऐसा फार्मूला बनाया है कि अगर इंसान प्रॉपर डाइट नहीं भी लेते बच्चे बच्चियाँ, तो तीन चीज़ें हर्बल मेडिसिन के अंदर एज आ वो फल हैं, तीन फल जिनका आप सफूर बना के एक बच्चों को शुरू करवा दें, और सिर्फ वन टाइम बेड टाइम पे आपने वन टीस्पून लेना है और छोटे बच्चों ने हाफ टी स्पून लेना है। तो आप ये समझ लें कि जो कीमियावी कमी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वो रखता है, बालों का गिरना, बालों की शाइनिंग और इवन स्किन के अंदर टाइटनेस भी वो पैदा करती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा कॉमन नुस्खा है जिसको हम त्रिफला कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये देखें जी, नंबर वन हलेला, ये फल है, ये देखें जी हलेला। अच्छा ठीक है, ये है तो बलेला जी, ये खोल लें बिल्कुल, जैफल जवेत्री जैसे आती है, ये हलेला फल है जिसे हमारा हरीर का मुरब्बा नहीं होता, मुरब्बा हर इसी का बनता है, खुशबूदार है जी, हरीर का मुरब्बा इसी का बनता है। अच्छा माशाल्लाह, इसके अंदर पूरी विटामिंस मौजूद हैं, कैल्शियम है, जिंक है, अल्लाह पाक ने बड़ी खासियत रखी इसके अंदर। अच्छा, तो इसको इसको इसका आपने, मैं बताता हूँ आपको, इसका आपने छिलका लेना है, अंदर से इसके बीज निकलेगा वो फेंक देना है। अच्छा, इसको आप जब तोड़ेंगे ना, हाँ, तो इसका छिलका निकलेगा। अच्छा, तो छिलका आपने बाहर, ये नहीं टूटेगा, सख्त होता है, ये हवन दस्ते पे टूटेगा या ग्राइंड होगा, वरना ये मेरा दांत लेके टूटेगा जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो इसमें जो है ना आपने एक वो हलेला है, ये बलेला है बेरा, इसका भी आपने जो है ना, हनी नाम है, हलेला बलेला जी जी, एक भाई था हलेला, एक भाई था बलेला, बट दिस इज लाइक वी कैन गेट फ्रॉम किसी भी पंसारी, किसी भी पंसार से मिल जाएगा, कॉमन चीज है हमारी और नया आई। और ये तीसरी चीज है आमला, बहुत जबरदस्त खुशबू है जी। तीसरी चीज है ये आमला, तो सुने ये भी सख्त है, इसके अंदर से क्या होगा? इसका आपने अंदर से बीज जो है वो जाया कर देना, इसका हमने पोस लेना, पोस इसके छिलकों को कहते हैं। अच्छा, इसका भी छिलका, उसका भी छिलका, हलेला बलेला दोनों छिलकों का इस्तेमाल करना है, इनके अंदर से जो बीज निकलेगा, बीज निकलेगा वो फेंक देना। ओके ठीक है। और ये तीसरी चीज है आमला, आपने देखा होगा आमले का मुरब्बा भी हमारा बनता है, ओलो का मुरब्बा खाया मैंने कभी नहीं है, मगर ये हार्ड है, ये सब चीजें वो खुश है। अच्छा, इन तमाम चीजों को आप पीस लें, कूट लें, तकरीबन एक एक छटांक ले लें और इनका पाउडर बना लें, और आप इमेजिन करें कि ये वन टीस्पून जो बड़े लोग हैं, यानी कि 25 से ऊपर के लोग वन टीस्पून लें, और जो हमारे 10-12 साल के बच्चे हैं वो हाफ टी स्पून ले लें एक टाइम। तो ये आप यकीन करें, ये फॉर्मुलेशन जो तेलों तेल की फॉर्मुलेशन, साथ आप जो है वो मास्क, और थर्डली ये अगर आप खाना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बालों के जो भी इशू हैं, जुमले अमराज जो बालों के हैं, चाहे वो फंगस की वजह से हों, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हों, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हों, चाहे वो एनेमिक खून की कमी की वजह से हों, ये बच्चे बच्चियों में खून की कमी को भी पूरा करता है। तो अब बच्चों को खिलाने के लिए इसका फ्लेवर इनको सही लगेगा? अच्छा, जायका तो इसका तकरीबन ठीक ही होता है, कोई इतना इसको खुश जायका करने के लिए इसमें आप गुले सुरख डाल सकते हैं। अच्छा, गुलाब की पत्तियाँ, वो जितना ये अगर फर्ज करें एक एक छिटांग, वो तीन चीजें हैं ना, ठीक है, तो तीन छिटांग की पत्तियां डाल लें आप गुलाब, ओके, उसमें इसका जायका भी खुश जायका हो जाएगा। प्लस अगर बच्चे बच्चियां फिर भी ना खा सकें तो उसको आप शहद में मिला सकते हैं, आहा, उसका एक लुब्रिकेंट खमीरा बन जाएगा, ठीक है, वो आप दूध के साथ बच्चों को बेड टाइम पे खिलाएं। हाँ, आप यकीन करें, इसके बारे में कोहना तिब्बा ही कहते थे कि जो बाल कबल अज वक्त सफेद हो रहे हो तो उनकी भी सफेदी जो है ना रुक जाती है इसके समान। अरे वाह, यानी ये वो कुदरती चीजें हैं जो लोग इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह का माजून टाइप का हमने बनाना है, हमने बेसिकली पाउडर बनाना है, मगर जब हम शहद में डालेंगे, शहद अगर जो बच्चे ना पाउडर खा सके उनके लिए आप शहद में माजून बना लें, इस तरह का माजून बना के वो जायका डिलीशियस हो जाएगा, बासानी बच्चे खा सकेंगे। हाँ, और आप इमेजिन करें पूरी दुनिया की रेसिपी और महंगी तरीन चीजें एक तरफ, और अल्लाह पाक ने जो हमारी इन चीजों के अंदर शिफा रखी वो एक तरफ, लेकिन सिर्फ एतमाद और एतकाद से खाने की जरूरत है, और कंटिन्यूसली कोई भी अमल हो वो एक दिन में नहीं आपको फायदा देता। सेवन टाइम्स मैं आप अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 7 times उसको अप्लाई जरूर करें ताकि उसके खातिर का रिजल्ट मिल सके। अच्छा, आप तो फिर भी माशाल्लाह के 7 times कह रहे हैं, मैं तो मुझे लगता है कि 3 महीने का प्रॉपर इस्तेमाल एक ऑब्वियसली वो जो है ना तो फिर वाजा दिखाता है। मैं 7 times इसलिए कहता हूँ कि जो बंदा 7 दफा कर लेगा उसको रिजल्ट जब मिलेंगे तो फॉर लाइफ इसको अपना खुद लग जाएगा। अच्छा, और भी ऐसी कोई गजाएं बता दें कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे हमारे बाल बहुत मजबूत हों जड़ों से। नाश्ते में बच्चे जो है ना बादाम और किशमिश का इस्तेमाल डेली करें, चाहे बड़े हैं बच्चे हैं जवान हैं। किशमिश में भी तो 2 किस्म की किशमिश आती है, हमने कौन सी देसी सोगी जो है
किस कलर वाली जो होती है? ये बेसिकली थोड़ी सी, ये मिक्स ही होती है, थोड़ी ब्लैक थोड़ी सिल्वर कलर मिक्स ही होती है ये। ओके, वो जो पीली वाली होती है हरी वाली, वो नहीं, वो और चीज है। ये जो देसी किशमिश है ना, जिसको हम सोगी कहते हैं, सोगी जैसे देसी बादाम होते हैं, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बच्चे जो है ना ऑलिव्स, जैसे अब ऑलिव्स में भी एक काले वाले हैं, काले वाले नहीं, ग्रीन ऑलिव्स जो हमारे बच्चे पिज्जे के अंदर देखते हैं। पिज्जे तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हाँ, मगर तो उसमें से निकाल भी देते हैं। हाँ, ये भी है, कुछ मेरी बच्चे तो बच्ची अगर देख ले सारे सैलेड ऑलिव खाना शुरू कर दें, बालों के लिए बहुत जबरदस्त। अच्छा, तीसरे नंबर पर सब्जियों के अंदर कद्दू, कद्दू बेहतरीन चीज है लुब्रिकेशन के लिए, खुश्की जाहिल करता है, त्रावड़ बहाल करता है। अब कद्दू कौन सा वाला, क्योंकि लाहौर में कद्दू लौकी को भी कहते हैं। लौकी की बात करूं, अब लौकी की बात, हाँ, कद्दू एक ही है, यानी कि कद्दू वो गोल भी आता है उसमें। अच्छा, कई और चीजें आ गई हैं, जैसे मारू है, हाँ, एक सब्जी है, हाँ, वो भी तकरीबन उसकी स्पीशीज ही है, मिलता जुलता है। ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, ये बेहतरीन बालों की खुराक। अच्छा अच्छा, इसके अलावा बच्चों को आप एक केला डेली दें, बालों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। एक केला बच्चा डेली खाए, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को दूर करता है। अच्छा, काले चने जो है, इसका शोरबा, इसकी यखनी या इसकी चाट किसी शक्ल में इस्तेमाल कीजिए, बालों के लिए बेहतरीन चीज है। अरे वाह, काले चने, अच्छा, प्रोटीन बेस्ड जो हमारी बीट, और ये घरों में अमूमन कम अमूमन बनते हैं, आप तो ज्यादा बनने चाहिए। हाँ, जी, आजकल वो आप सफेद चनों की चाट ज्यादा, हाँ, चल पड़ी है। काले चनों की चाट जो है बच्चे इस्तेमाल कर ले, उसका चोरबा, उसकी यखनी, बल्कि उर्दू स्पीकिंग फैमिली में इसकी घुगनी टाइप बनती है जी, जो बड़ी एक मसालों की बड़ी डिलीशियस होती है वो। आप रमजान में हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं चम्मच के साथ, उसमें आप नींबू डाल के खा लें, बेहतरीन चीज है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, हमारे घर में बड़ी बनती है, बहुत अच्छा लगता है, नींबू छिड़क के खा ले। और उससे कमर दर्द, आसाबी कमजोरी और वीकनेस, आप ये देख लें, जो चने है ना काले, घोड़ों की खुराक है। हाँ। घोड़े कितना भागते हैं, उनका सांस नहीं फूलता। तो हमें वो ये चीजें हमारे सामने एग्जांपल हैं। हाँ। तो जब हम गजाइयत से भरपूर गजा इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रिशन से भरपूर, तो डेफिनेटली उसके अच्छा, जो बेस्ट हकीम है ना उसकी ये लाइन पक्की है। और मैंने देखा है, मेरी जिस जिस ऐसे बेस्ट हकीम से मुलाकात हुई, उन्होंने यही बात बोली है कि देखो घोड़ा चने खाता है, कितनी दौर लगाता है, कितनी दूर भागता है, कैसा तेज होता है, कितनी एनर्जी। तो हम आम इंसान अगर चने खाएंगे तो हम कितने तेज होंगे, कितने रफ्तार होंगे, कितनी एनर्जी होगी, नो डाउट ही। सो राइट, ये नुस्खे इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों का गिरना ख़त्म कीजिए, जड़ों से सिरों तक आपके बाल मजबूत होंगे, तो फिर पूरी दुनिया को आप मजबूती से होल्ड कर सकेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का, आपने बहुत अच्छे नुस्खे हमें बताए। आई एम गोना फॉलो दैट फॉर श्योर। ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड में।